इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कर्नल RSN सिंह जी को। आप रा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय विचारक एवं प्रखर वक्ता हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, जोरदार तालियों से स्वागत करें कर्नल साहब का। देवियों और सज्जनों, हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राष्ट्रवाद ने हमको खींच कर यहां तक लाया है। और एक ऐसे समय में जबकि मैं जानता हूं कि हर भारत माता के सपूत, हर देश प्रेमी, हर आदमी जो राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था रखता है, उसकी आस्था को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं इस 26 जनवरी की बात कर रहा हूं। जो कुछ भी हुआ वो दृश्य आप सबने टेलीविजन पर देखा। तो देवियों और सज्जनों, मैं गृह मंत्रालय के एक स्टडी टीम का सदस्य था कुछ साल पहले, माओइज्म के ऊपर में। और उस समय हमारी टीम ने जितना ये रेड कॉरिडोर है, उस रेड कॉरिडोर का हमने दौरा किया। बहुत सारे प्रदेश में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, छत्तीसगढ़ भी गए, वहाँ भी हमने चीफ सेक्रेटरी और DGP से बात की, जो सुकमा के कलेक्टर थे उनसे बात की, बिहार गए, झारखंड गए। तो इसी सिलसिले में हम बिहार के गया जिले में पहुंचे। वहां हमारी मीटिंग हुई वहां की एक लेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी उनसे, तो उन्होंने कहा, वो हम जब माओइस्ट कंट्रोल्ड एरियाज का बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो माओवादी कंट्रोल्ड एरियाज हैं वहां पर उन्होंने एक हुक्म जारी किया, एक फतवा जारी किया, एक डिक्टाट जिसको अंग्रेजी में कहते, एक डिक्टाट उन्होंने किया कि ये जो 15 अगस्त को झंडा फहराने, राष्ट्रीय झंडा फहराने की परंपरा है, उसको खत्म किया जाए। अब से 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा, उसके बदले हर कॉलेज, हर स्कूल, हर संस्था में काले झंडे फहराए जाएंगे। एक अजीब खौफ का माहौल था, अभी भी है, कई इलाकों में खौफ का माहौल है। और जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ये मेरा अपना मानना है कि जितना दहशतगर्द विचारधारा जिहाद है, उतना ही या हो सकता है उससे भी ज्यादा दहशतगर्द विचारधारा माओवाद है। मेरी एक एक शब्द पे आप ध्यान कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। तो जब ये बात हुई तो वो जो लेडी DM साहिबा थी उन्होंने मुझे कहा कि एक स्कूल में माओवादियों के कथन अनुसार, उनके डिक्टाट पे वो काला झंडा फहराने जा रहे थे, एक 8वीं क्लास की बच्ची, उसने वो दौड़ते हुए गई, उसने राष्ट्रीय वो काले झंडे को नीचे उतारा और वो अपने साथ राष्ट्रीय झंडा लाई थी, उसने राष्ट्रीय झंडा लहराया। ये बात मैंने टेलीविजन पे भी बोला है, मैंने अपनी किताब में भी ये बात लिखी। तो मेरा क्या आपसे कहना है
कि उस लड़की का संस्कार और उसकी परवरिश देखिए, उस लड़की का संस्कार और परवरिश देखिए और टिकैत का संस्कार और परवरिश देखिए। एक अच्छे परवरिश का आदमी, एक अच्छे परिवार का व्यक्ति, वो 26 जनवरी या 15 अगस्त जो हमारे आधुनिक भारत के राष्ट्रीय पर्व है, उसको इस तरीके से उसको मलिन करने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए, प्रजातंत्र में सबको हक है गुस्सा होने का, अपना मांग रखने का, वो प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसको जाहिर करने की एक मर्यादा होती है। जैसे आपके घर में के अंदर में, आप सभी के बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे थे, आप किसी मर्यादा के मर्यादा में रह के आप जिद करते थे। कृष्ण भगवान भी बहुत जिद्दी थे, उनका हट बहुत, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सका है, लेकिन वो एक मर्यादा है में रहकर, और समय का तकाजा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो ये कुछ हुआ, क्या 26 जनवरी ही उसके लिए ये उपयुक्त समय था? ये तो वही वाली बात हो गई कि मुखिया की लाश पड़ी हुई है और उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया, युद्ध शुरू हो गई। मैं 1400 साल पहले अरेबिया, सऊदी, आज जहां मक्का मदीना है वहां की बात कर रहा हूं। मुखिया की लाश पड़ी हुई है 45 डिग्री टेम्परेचर में, और वहीं से कौन अगला खलीफा बनेगा उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो क्या ये उपयुक्त समय था? उसी तरीके से आप ये मान लीजिए, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे का जन्मदिन है या किसी के घर में एक विवाह है, आपके शायद कुछ पैसे बकाए हैं या कोई और काम है, आप क्या उस समय जाके आप उस घर में आप अपने पैसे का तगादा करने जाओगे? आपकी मां की ममता, उस बच्चे की भावना का कोई कदर नहीं है? छब्बीस जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है, आधुनिक भारत का यह राष्ट्रीय पर्व है। वो पर्व है जहां की बच्चे, आप लोगों ने, अगर आपको मौका मिले, कुछ लोगों को मौका मिला भी होगा, आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड पे आप चले जाएं, जो आर्मी का जो परेड ग्राउंड है जहां पे पूरा एनसीसी का कैंप लगता है, हर एक प्रांत से लोग, बच्चे वहां पे आते हैं, और 26 जनवरी परेड के लिए चुना जाना ही अपने आप में उनके लिए इतनी बड़ी गर्व की बात होती है जिसको वो जिंदगी भर उस पे गर्व महसूस करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चेरिश करते हैं उसको। आप जाके देखिए, 4 बजे सुबह से बच्चे जिस तरह से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और इस बार तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली में कुछ ठंड भी ज्यादा थी। हम और आप और ये नालायक जब ये फुट मसाज करवा रहे थे, तो सो कॉल्ड ये फार्मर्स, हम भी किसान है साहब, हम भी किसान हैं, तो हमारे सामने कोई जय जवान और जय किसान का नारा ना लगाए, और अच्छी खासी मात्रा में हम भी सरकार को, अभी मैंने चावल भेजा है, धान सारा का सारा सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। तो
तो देखिए ये मैंने कहा ये बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, ये भारत माता का पर्व है। मैंने इसीलिए वो आपको उदाहरण दिया, वो एक बच्चे का जन्मदिन का और उसकी मां का। उसको मेरे जन्मदिन से जोड़ के नहीं देखिएगा, अब तो हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं और मेरी माता जी का स्वर्गवास भी हो चुका है, लेकिन अगर आपको अपनी भारत माता की भावनाओं का कदर नहीं है, अगर आपके बच्चों का उसके बच्चों के भावनाओं का कदर नहीं है, तो आप इंसान नहीं हैं। आप इंसान नहीं हैं। बाकी आप छोड़ दीजिए, क्या मांगे हैं, सही हैं, गलत हैं, जायज हैं, नाजायज हैं, गुस्सा है, दुख है, कुछ भी हो सकता है, वो मैं उस जिरह में, उस डिबेट में मैं नहीं, वाद विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन 26 जनवरी का अगर आपने दिन चुना, तो फिर आप भारतीय क्या, भारत माता के सपूत क्या, आप इंसान भी कहलाने लायक नहीं हो, आप एक दरिंदा हो, आप एक गंदे परवरिश का आदमी हो। तो देवियों और सज्जनों, ये इस सारी ये जो आपने 26 जनवरी की जो घटना देखी है, जो दृश्य देखा टेलीविजन पे, वो कोई नई बात नहीं है, वो कोई नई बात नहीं है। आप 2014 पर अपनी याददाश्त को ले जाएं, यही 26 जनवरी का अवसर था, मतलब उसका वो पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, इसी 26 जनवरी का पीरियड था, और ये आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसने जो उसका नियुक्त जगह था जंतर मंतर, वहां पे धरना नहीं देके, और वो रेल भवन के पास उसने धरना दिया, और वो वहां भी वैसे ही थे, टेंट लगे हुए थे, चाय बट रही थी, मसनद आ रहे थे, अपनी गंदी सी शक्ल लेके वो सुबह सुबह मफलर बांध के आ जाता था वो, और क्या कहता था, कहता था कि मैं करूंगा कि शिंदे कहां बैठेगा, कहता है कि ये 26 जनवरी बिल्कुल बकवास है। उसने आह्वान दिया कि 4 से 5 लोग यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, अगर उसके आह्वान पे 4 से 5 लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाते, तो आप बताइए कि फिर क्या हाल होता, क्या ये हमारा देश, हमारा राष्ट्र यूक्रेन बन गया, क्या इसी को प्रजातंत्र बोलते हैं, इसी को जमहूरियत बोलते हैं। और जब तक उसको किसी ने आश्वासन नहीं दिया होगा, जब तक उसको किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया होगा, तब तक वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता था। और अंत में यही हुआ कि उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब थे, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, आर्मी चीफ ने भी कहा कि अगर इस ये माहौल रहा तो हमारे रिपब्लिक डे परेड पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर प्रणब मुखर्जी ने जब अल्टीमेटम दिया, तब ये आदमी वहां से उठ के वहां से गया। तो ये बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी। और देखिए, मैं राजनीति में नहीं हूं, मुझे कोई राजनीति, जो लोग कह रहे हैं बहुत महान काम करें, लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं आम जनता से भी कहूंगा कि अगर आप 26 जनवरी को इस तरीके से डिफाइल करने वाले या उसको मलिन करने वाले अगर किसी शक्ति को आप अगर सपोर्ट करते हैं, आप उसको वोट देते हैं, तो आपके भी परिवरिश में कमी है, तो आपके भी परवरिश में कमी, अगर मैं करता हूं तो मेरे परवरिश में कमी,
लेकिन 2014 और ये केजरीवाल, आपने इसकी पृष्ठभूमि आप लोग जानना चाहते हैं? ये आदमी, यह आदमी पता कर लीजिएगा कि जब ये पहली बात ये इनकम टैक्स में था और कभी ये दिल्ली छोड़ के नहीं गया। विदेशी महिला ने इसके लिए सरदार जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये इसको दिल्ली के बाहर नहीं पोस्ट किया जाए। ये आदमी, और मैं बिल्कुल, मेरी एक वो है केजरीवाल इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, आप वो आर्टिकल पढ़ के वो देख लेना, उसमें मैंने प्रूफ के साथ दिया है कि इसको एक संपूर्ण परिवर्तन नाम का, सरकारी नौकरी में रहते हुए इसने संपूर्ण परिवर्तन नाम के एक नाम का एनजीओ चलाया, उसको $80,000 मिले जो कि उसके 20 साल की तनख्वाह थी। और उसने दूसरा एक एनजीओ इन लोगों ने चलाया जिसका नाम था CSDS, सेंटर फॉर ए स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल सोसाइटीज, ऐसे करके था, डेवलपिंग सोसाइटीज। उसमें ये आपका योगेंद्र यादव था, उसमें $2,50,000। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये आदमी उस समय हमारी सरकार में, ये हम कुछ कानून से बंधे होते हैं, कुछ रूल है, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप स्टडी लीव ले सकते हैं, लेकिन स्टडी लीव आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आपके संगठन को आपके स्टडी का फायदा हो। इसलिए जो कानून बने हुए हैं वो है कि आप स्टडी लीव करने के बाद, लेने के बाद, उपरांत आप 3 साल तक आपको नौकरी करनी है। ये आदमी एब्सेंट हो गया, ये आदमी एब्सेंट हो गया। अगर मेरी तरह लोग होते तो हम जेल चले जाते, लेकिन पता नहीं हमारे आप अगर राजनीति में आप प्रवेश कर गए तो इसका मतलब क्या कि आप कुछ भी पाप करते रहो, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही आदमी है। अब मैंने आपको योगेंद्र यादव का बता दिया, योगेंद्र, और ये मनीष सिसोदिया भी इसके साथ था उस एनजीओ में, और ये विदेशी। इसीलिए ये लोग, जब से मोदी सरकार ने, जब से नकेल कसा है ये विदेशी फंडिंग पे, इन लोग ये छटपट 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 ये लोग कर रहे हैं। इसी आदमी ने आपको मालूम है कि बाटला हाउस एनकाउंटर को इसने, इधर इधर देखिए, उधर नहीं, मेरी तरफ देखिए, इसी व्यक्ति ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फॉल्स बना कहा था कि ये बिल्कुल ये फर्जी ये एनकाउंटर था। पूरे पाकिस्तान में लोग बहुत खुश थे इसके वक्तव्य से। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो फिर इसने कहा कि यह कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, यह सब झूठी बात है, यह हिंदुस्तान की सरकार की प्रोपोगंडा है। यह बात कह के उसके जो आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उसको इसने खुश कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अखबारों में यह बात छप गई कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जब आप इस तरह का स्ट्राइक करते हैं तो आप केवल अपने टारगेट को ही स्ट्राइक नहीं करते हैं, केवल दुश्मन की सेनाओं को स्ट्राइक नहीं करते, उसके ठिकानों को स्ट्राइक नहीं करते हैं, आप वहां के पब्लिक ओपिनियन को भी स्ट्राइक करते हैं, जिसको इस आदमी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब ये इसका उदय हुआ, मैंने देखा कि इसने किस तरीके से हर आदमी का, इसने बाबा रामदेव के प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल किया, इसने अन्ना हजारे के प्लेटफॉर्म को इसने कैसे इस्तेमाल किया।
तो कुछ मेरी अपनी मेरा अपना एक्सपीरियंस कहिए, मेरा अध्ययन कहिए और कुछ ऊपर वाले की कृपा कहिए कि मैं बातें बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मैंने इस आदमी को अध्ययन किया और मुझे पता चल, तब तक काफ़ी मैंने ये आर्टिकल भी मैं लिखा था, केजरीवाल इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, और चुनाव होने वाला था, कल को वोटिंग होने वाला है, मुझे मालूम था कि ये बहुमत से आ रहा है। लेकिन जब ये अपने उफान पे था तो मैं जिसको भी लिखूं, मेरे दोस्त, मेरे अपने परिवार के लोग, वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करे कि ये एक नंबर का जालिम और ये काइया आदमी है। इसमें हंसने की क्या बात है? जो आदमी 26 जनवरी को पैरेलल अपना उस दिन तो लोग देश की शक्ति देखना चाहते हैं ना, वो आपकी घिनौनी शक्ति नहीं देखना चाहते हैं, वो देशद्रोहियों की शक्ति नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सब लोग हमारे खिलाफ थे, हमारे अपने परिवार के लोग। लेकिन तब मैंने कहा कि शायद हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, मेरी सोच में कमी हो। तो देवियों और सज्जनों, मैंने क्या किया, मैं वो तिहाड़ जेल में अन्ना हजारे आने वाले थे और ये सब ये लोग पहुंच, ये केजरीवाल और उसका गैंग जो है वहां पहुंचा, तो मैंने देखा कि बड़े सुनियोजित तरीके से वहां से टोलियां आ रही थी, जैसे मार्चिंग कॉन्टिजेंट होता है, और दो तीन चीयर लीडर्स के ग्रुप थे, दो तीन। अब मैंने देखा कि वहां लोग खड़े हैं, वो लोगों की समूह है, वही तीन आदमी वो जाके नारे लगाए, देश की बेटी कैसी हो, किरण बेदी कैसी हो, देश का बेटा कैसा हो, केजरीवाल जैसे। अन्ना का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था, ठीक है, और जेल में वो था अन्ना। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो मैं भी बीच में कूद पड़ा जस्ट जांचने के लिए, और मैंने कहा बाबा रामदेव जिंदाबाद, बिल्कुल शांत, कोई नहीं। फिर मैंने बोला, दो तीन बार बोला मैंने बाबा राम जी। मैं बोला यार अभी तो इसके प्लेटफॉर्म पे था, मैं समझ गया बात क्या है। फिर एक कोई बाबा रामदेव का चेला था, उसने मेरे को बुला के बोला कि वो सोचा कि मैं बहुत बड़ा चेला हूँ, उनका भक्त हूँ बाबा रामदेव का, तो उसने मेरे को कहा कि बाबा साहब 3 बजे आने वाले हैं, हम तब नारे लगाएंगे, अभी मत लगाइए नारे। तो देवी और सज्जनों, मैं ये भी बता दूं आपको कि कोका कोला के बॉटल्स और बिस्किट बिक रहे थे, ये मिल रहे थे, बांटे जा रहे थे, तो मैंने कोका कोला तो नहीं लिया, लेकिन मैंने 3-4 बिस्किट के पैकेट जरूर लिए वहाँ से। और मेरे पास उस समय एक बड़ा प्यारा कुत्ता था, ठीक है ना, उस कुत्ते को मैंने वो वाले बिस्किट खिलाया, हाँ उसने भी बड़ी चाव से खाया, ठीक है। तो ये जब मैं पूरी गहराई में मैं गया, मैंने जब विश्लेषण किया इसका, तो फिर मेरे को पता चला कि एक महिला है जिसका नाम है श्रीमित ली, वो अमेरिकन महिला है, ये पूरा जो ये आंदोलन था उसने ऑर्गेनाइज किया था, और वो पूरा अरब स्प्रिंग में भी उसका बहुत बड़ा मतलब रोल था। ये जो फ्लैश मॉब्स, जो SMS के द्वारा जो फ्लैश मॉब्स जो वो करते हैं ना, उसमें बहुत बहुत बड़ा उसका हाथ, वो उसकी एक्सपर्टीज थी, और उसने इन लोगों को उसको ट्रेनिंग दिया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आप देखिए कि ये माओवादी ताकतें किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। तो जो आपने ये जो 26 जनवरी को देखा ना, ये नई बात नहीं थी। और यहाँ पे भाजपा की सांसद बैठी हुई हैं कि देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन
एक आम आदमी जो हम लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है कि हमको इतने ज्यादा एंग्जाइटी में रखा जाए कि हर दूसरा आदमी कहता है कि मैं दिल्ली का घेराव कर लूंगा, तो हम कहां जाएंगे। और अगर इस तरीके से 26 जनवरी को बार बार कोई अगर उसको धमकी देने की कोशिश करे, तो इससे अच्छा है कि हम ये पूरी जो ये कार्यक्रम, जो ये परंपरा है, इसको हम छोड़ दें। इस धमकी के साथ हम नहीं जी सकते, इस धमकी के साथ हम नहीं जी सकते, क्योंकि आपने तो देश को बताना होगा ना कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप देखेंगे कि हम अक्सर क्या होता है सर, कि हम स्टेज की बात करते हैं, हम एक्टर्स की बात नहीं करते हैं। स्टेज शाहीन बाग हो, आपको वही लोग मिलेंगे, वही टुकड़े टुकड़े गैंग, वही योगेंद्र यादव, वही वो सुप्रीम कोर्ट का वो गंदा वकील, ठीक है, वही वो वन बुक वंडर, वही अरुंधति रॉय, उसके बाद वही कुछ लोग जो गांधी की दुकान चला रहे, वही लोग आपको मिलेंगे। और आप वहां चले आए किसान आंदोलन में तो आपको वही लोग मिलेंगे। अब इस पूरे मामले में आप देखिए, जिसको मैं कहता हूं देसी गुस्सा और विदेशी ज्ञान। आपको तो बड़ा गुस्सा था किसान आंदोलन में, सरकार हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने वो समाप्त कर दिया, वहां वो समाप्त कर दिया, पूरे यहां मध्य प्रदेश, डू यू नो दैट मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सबसे ज्यादा गेहूं आज मध्य प्रदेश में पैदा होती, यहां का तो किसान को कोई तकलीफ नहीं है। तो आपका देसी ज्ञान उनको नहीं चाहिए, मेरे देसी ज्ञान पे भरोसा नहीं है, उनको चाहिए कोई अश्लील पिक्चरों वाली महिला, कोई रिहाना, कोई मियां खलीफा है, उनको उनका ज्ञान का उनको बहुत जरूरत है। उनको वो एक वो दूसरी कहे ग्रेटा 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 थंडरबर्ग, उसके उसके ज्ञान की इनको जरूरत चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका आंदोलन की यही ताकत है साहब, आपका आंदोलन में यही ताकत है कि आज आपको ऐसे ऐसे आपको अश्लील पिक्चरों वाली नायिकाओं का और उनका आपको जरूरत पड़ गया। तो इसका मतलब आपका गुस्सा जो है वो ओरिजिनल गुस्सा नहीं है, आपका गुस्सा मैन्युफैक्चर्ड है। अब ये मैन्युफैक्चर्ड गुस्से को आप कैसे डील करेंगे। और शाहीन बाग में वही ताकतें। देखिए साहब, एक बात है और मैं इस बात से कतराने, मैं कभी बहुत बड़ा पाप होगा अगर मैं इस बात का जिक्र नहीं करूं। आप वहां पर कुछ लोग, जब ये पूरी शाहीन बाग वाली बात हो रही थी तो वहां पे लंगर चलाए जा रहे थे कुछ खालिस्तानियों द्वारा। आप लंगर चला रहे थे और उसी समय उसके थोड़े दिन के बाद अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में, और ये किसके खिलाफ हो रहा था, CAA के खिलाफ, उसके उसी समय एक अफगानिस्तान के गुरुद्वारे में हमला हुआ, बहुत लोग मारे गए, जो बच गए वो बच्चे थे, बहुत कम उम्र के थे। भारत की सरकार ने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा, उनको यहाँ वापस बुलाया और अब उनको CAA के तहत उनको नागरिकता दी जा रही है। और फिर आप CAA का विरोध कर रहे हो,
ये कौन लोग हैं साहब, ये कौन जो ये खालिस्तान के जो मूवमेंट जो ये जो खालिस्तानी लोग हैं। सर सुनिए एक बात, हमारे कुछ सिख बुजुर्ग भी मुझे दिख रहे हैं यहां पे, सिख हम सब हैं सिख, गुरु आपके लिए गुरु होंगे, गुरु हमारे लिए भगवान रहे। गुरु हमारे लिए भगवान है, और मेरा अगर कोई सबसे बड़ा, अगर मैं किसी को अपना हीरो मानता हूं, वो है गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी। वो इसलिए नहीं मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ क्या था, जब हम आर्मी में थे और जब काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में नॉर्थ ईस्ट या कश्मीर में हम जब ऑपरेट करते थे, तो हम अपने जवानों को डूज एंड डोंट्स देते थे। उसमें था कि भाई आप हमेशा नारियों का इज्जत करेंगे, कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है नहीं ले, ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं। आप कभी झूठा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आप कोई फेक एनकाउंटर, मतलब इस तरह के डूज एंड डोंट्स। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने तो दो शब्दों में सब कुछ कह दिया, संत सिपाही। मैं संत भी हूं और सिपाही भी हूं। जो आदमी संत नहीं है वो अच्छा सिपाही भी नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए अब पता नहीं कितने लोगों को यह मालूम है कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें या दसम ग्रंथ पढ़ें, 60-70% इज रिटन इन ब्रज भाषा। और ये जो कनाडा में बैठे हुए हमारे कुछ खालिस्तानी लोग हैं ना, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि गुरु नानक देव जी भक्ति मूवमेंट में उनका अवतार हुआ था। उस समय बहुत सारे अवतारी लोग आए थे उस दौरान में, जिसको पूरे इतिहास में स्कूलों में भी एक पूरा भक्ति मूवमेंट पढ़ाया जाता है। उस समय नामदेव, उसी एरा में कबीर, गुरु नानक देव जी, मीराबाई, बहुत से भक्ति। तो ये भक्ति मूवमेंट कनाडा में नहीं चला था सर, ये भक्ति मूवमेंट यूके में नहीं चला था, ये लंदन में नहीं चला था, तो कहां की ये करे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं उनको पूरा का पूरा, मतलब उनको आज मेरा जन्मदिन है, उनको मैं अपना पूरा गुड विशेस देता हूं कि आप कनाडा में खालिस्तान जरूर बनाएं। कम से कम हमारे सिख भाइयों का, चलो वो भी हमारा ही देश रहेगा ना, फिर वो भी हमारा ही देश रहेगा, इसलिए उसको जरूर बनाएं। अब देखिए ये है क्या कि ये जितने आप देख रहे हैं माओवादी, जिहादी, खालिस्तानी, ये सब के पीछे एक चरित्र है, कैरेक्टर है, वो है विदेशी महिला। मैंने आपको बोला कि उसकी जितनी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, वो आज तक मुझे नहीं समझ में आई कि वो उसको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्यों कहा जाता है। छटे हुए बदमाश, छटे हुए माओवादी उसमें, पता नहीं कहां चलेगा। अभी बीच बीच में एक आध कॉलम देख लेता हूं उन लोग का। ये सब किसी न किसी तरीके से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से जुड़े हुए थे, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये सब इस विदेशी महिला के ही बी टीम है। वो कांग्रेस की बी टीम हो या ना हो, लेकिन ये विदेशी महिला की ये बी टीम है। अब आपको मैं बताता हूं, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मुझे बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि मैं कुछ पता नहीं ऐसे ही, मैं कभी बिना छानबीन के, बिना तथ्य के बात नहीं करता हूं मैं।
आप थोड़ा पिछला चुनाव ले लीजिए। इस विदेशी महिला का मैं पृष्ठभूमि में बता दूं कि इनके पिताजी इटालियन के आर्मी में मुसोलिनी का नाम सुना है ना आप लोगों ने, मुसोलिनी के, जिसको ये बीजेपी को ये फासिस्ट बोलते हैं ना मैं प्रधानमंत्री को, तो मुसोलिनी सबसे बड़ा फासिस्ट था, ठीक है, फासिज्म के साथ ही उसको एसोसिएट किया जाता है। उसकी आर्मी में ये सार्जेंट थे, इनको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया, ये सोवियत यूनियन गए, वहां पे क्या करते, मारते पीटते नहीं थे प्रिजनर्स को, उनको इंडॉक्ट्रिनेट करते थे। इतना जल्दी इंडॉक्ट्रिनेट हो गया कि उसको 2 साल में ही भेज दिया गया वापस कि जाओ और कम्युनिज्म फैलाओ। और फिर इसने इटली में आके अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाया। अब मैं कह रहा हूं आप छत्तीसगढ़ का चुनाव ले लीजिए। छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका एक लेफ्टिनेंट था, अभी भी हैं वो, क्या राज बब्बर, उसने एक पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि ये माओवादी जो हैं ये क्रांतिकारी हैं। इसका मतलब कि महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला को क्रांतिकारियों ने मारा था। एक कांग्रेसी नेता ये कहे कि ये क्रांतिकारी थे, इसका मतलब आप एंडोर्स कर रहे हो कि उसको महेंद्र कर्मा जो कि एक कांग्रेस का था, वीसी शुक्ला पुराना कांग्रेस उसको क्रांतिकारियों ने मारा था। और जिस आदमी के ऊपर सबसे बड़ी शक की सुई गई थी वो आज वहां पर वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना हुआ है, कवासी लखमा उसका नाम है। अब तो इनको कहीं से पैसे भी उगाने की जरूरत नहीं, ये तो इनबिल्ट हो गया। तो ये सारा का सारा आप जो खेल देख रहे हैं ये विदेशी महिला का है। और आपको ये बता दूं कि आप लोग यूं ही मत लीजिएगा कि ये उसका बेटा छुप छुप के जब डोकलाम का क्राइसिस हो रहा था वो तो वो अंदर ही वॉज कॉट रेड हैंडेड चाइनीज एम्बेसी में घुसते हुए। क्या बात हुई, आज तक को बताया नहीं उसने, वो बताता नहीं है। आप के देश में एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई हो और उस समय कोई छुपके जाए अपने दुश्मन के एम्बेसी में, साहब हम अगर पकड़े जाए हमको तो जेल भेज जाए, कोई भी व्यक्ति, हम जितने यहां बैठे हुए हैं या कोई और होता तो हम तिहार जेल में होते। आज तक कोई पूछता है, हम ही टेलीविजन पे पूछते रहते हैं। उसके बाद इस विदेशी महिला ने MOU साइन किया चाइना से, वो भी बात छुपी रह जाती अगर कुछ, वो कहां से लीक हुआ कैसे लीक हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन सीक्रेट MOU। और तभी मैं हर मंच से, जब भी मौका मिलता है हर टेलीविजन चैनल से, मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना करता हूं कि इसका सुओ मोटो आप इस पर एक्शन ले और इस विदेशी महिला से पूछें कि उस MOU का कंटेंट क्या है। तो ये देखिए, ये है क्या, ये सारा का जो खेल है ये मोदी साहब को हटाने का है, ये मोदी साहब को हटाने का है। पता नहीं आप लोगों ने वो गोधरा कांड याद कीजिए, वो रेलवे कांड, गोधरा कांड, वो यूं ही नहीं हुआ था साहब। हम तो केवल एक उसमें के लोग आ रहे थे, अयोध्या से उनको जला दिया गया, हम केवल, वो क्यों किया गया, किसने किया, उस समय का आप अंतर्राष्ट्रीय माहौल, आप उस समय का अंतर्राष्ट्रीय माहौल, आप उस समय
थोड़ा याद करने की कोशिश करें, उस समय अफगानिस्तान में ये पूरा ये शुरू हुआ था, ये मामला ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम। और पाकिस्तान, पाकिस्तान को उस समय बिल्कुल जो उसके अपने जिहादी थे उनको जवाब देना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसको भारत को प्रवोक करना चाहता था ताकि ये फ्रंट पे कुछ हो। मैं पूरे अध्ययन के बाद आपको कह रहा हूं। उसके बाद आप देखिए मोदी साहब को जब वहां से नहीं हटे उससे, तो फिर इन्होंने न्यायालय का रास्ता नहीं, उसके पहले वो लश्करे तोयबा से मिलके इन्होंने वो इशरत जहां के द्वारा उनको एलिमिनेट करवाने की कोशिश की, वो भी नाकामयाब हो गया। उसके बाद इन्होंने एक जज को भेजा, नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है, एक जज को भेजा वहां पे कि इनको फिक्स करो जुडिशरी से, वो भी नाकामयाब हो गया। उसके बाद इन्होंने इनका पॉलिटिकल ये फिजिकल एलिमिनेशन पटना में इन्होंने किया। उस दिन मैं गांधी मैदान में मौजूद था जब ये पूरा ये जब ये पूरी घटना वहां पे हुई है, अक्टूबर 2013 की बात है मेरे ख्याल से। मैं पटना में था और मैं गांधी मैदान में था उस समय। आगे पीछे की क्या बात हुई मेरे से, कैसे मुझे किसी ने कह दिया कि सर ये यहाँ तो, जब ये पूरी घटना घट गई तो संक्षिप्त में बता देता हूँ कि मैं जब गया तो भीड़ जब निकल रही थी वहाँ से, तो आई वेंट एज अ कॉमन मैन, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब चलना मुश्किल था, तो हम एक जगह रुक गए गांधी मैदान के पास, एक जगह ट्विन टावर उसके नीचे रुक गए। तो एक ड्राइवर था तो वो हमारे जो बिहारी लहजे में बोला, सर आप लोग ये रैली में आए हैं, आए थे ये हम, नहीं वो बोला कि सर ये जो बम धमाका देख रहे हैं ना, हम तो साहब को लेके, कोई बीजेपी के नेता थे बोकारो के, उनको लेके आया था। वो कह रहा था कि वो देख रहे हैं, वो ठेले वाले ने मुझसे पूछा कि आप रैली में आए हैं, और ये मोदी साहब तो करीब 11-12 बजे आए थे, ऐसा 1-2 बजे, वो सुबह 8 बजे कह रहे हैं कि सर आप लोग कहाँ हैं, यहाँ तो चारों तरफ बम फिट है। वहां इस तरह से मोदी साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश गई। फिर इस नालायक को भेजा गया, इस केजरीवाल को बनारस में, उनको पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए 24 एनजीओस, 24 फॉरेन फंडेड एनजीओस उसके सपोर्ट में थे। पूरा का पूरा जो विदेशी महिला का तंत्र है और जो एनजीओ का, जो विदेशी एनजीओ का तंत्र है वहां पे उनका, उससे भी नहीं हो पाया। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये इनका अब अगला इनका जो होप है, इनकी आशा है कि शायद चाइना से मिलके इनको हटाया जा सके, शायद पाकिस्तान से मिलके इनको हटाया जा सके। तभी इनका नेता पाकिस्तान में जाके कहता है कि हमको मदद कीजिए मोदी जी को हटाने के लिए, और तभी ये महिला, विदेशी महिला जाके एमओयू साइन करती है चाइना के खिलाफ। तो आप देखिए, ये मैं कह रहा हूं स्टेज देखिए, स्टेज अलग अलग हो सकते हैं, कलाकार आपको चीन, पाकिस्तान, जिहाद, माओवाद, अब ये खालिस्तानियों पे लिवरेज करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अभी ट्रूडो ने हमसे, एक पहले भी आया था ये कनाडा वाला, तो इसको आपको मालूम है कि इसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया था सर, कोई भी जो एक डिप्लोमेटिक नाइसिसिटी कहते हैं इसको एक्सटेंड नहीं किया गया था। अभी इसने वो मांगा है वैक्सीनेशन, तो ये बड़ी अच्छी बात है यार कि तुम हमको खालिस्तान का इंजेक्शन लगाओ और हम तुमको वैक्सीनेशन दे, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। तो अभी है क्या कि देखिए चाइना जो है इतना पैसा आ गया है, और ये जब कंट्री के पास पैसा आ जाता है तो वो रेजीम चेंजेस वो करने के, म्यांमार में जो भी हुआ उसमें भी बाहरी ताकतों का हाल है रेजीम चेंज में, बांग्लादेश में की कोशिश की जा रही है, नेपाल में किया गया, हमने उल्टा कर दिया, मालदीव्स में किया, हमने उल्टा
कर दिया उसमें, लेकिन ये विदेशी महिला और उसका उसका पुत्र, कुपुत्र या सुपुत्र ये आप फैसला कर ले, है उस वो यही उनकी आशा है कि हम किसी तरीके से इस चाइना की मदद से, बाहरी ताकतों की मदद से ये आंदोलन करवा के इस तरह से किसी तरह मोदी को, कि ये इनको मालूम है कि जब तक आप लोग हैं मोदी साहब को कोई नहीं हटा सकता है। और वो इसलिए नहीं, आप बताइए साहब, मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम मोदी भक्त हो, तो मैं किसका भक्त बन जाऊं, ट्रूडो भक्त बन जाऊं कि वो जॉनसन का भक्त बन जाऊं, किसका किसका विदेशी महिला का भक्त बन जाऊं, किसका भक्त बनूं, बोलो। एक आदमी जो 17-18 घंटे काम कर रहा हो, जिसका ना आगे कोई ना पीछे कोई, जिसका बिल्कुल इतना साफ ट्रैक रिकॉर्ड, हो सकता है कि कभी कुछ गलतियां हो जाए, हम सब इंसान है, नहीं तो हम भगवान हो जाते, तो हम किसका भक्त हो जाए। तो इसलिए इन्होंने, यहां तक नहीं, इन्होंने 26-11 भी करवा के देख लिया, उस पर भी मैं जरा, इस पर मैंने मेरी किताब में उस पर बहुत विस्तार में चर्चा है कि कौन कौन हिंदू टेरर कैसे बनाया गया, 26-11 कैसे करवाया गया, क्या कहां प्लानिंग हुई, कैसे हुई, सब कुछ इन्होंने 26-11 करवाया। और तभी आपके ही प्रदेश का एक नालायक नेता, नालायक तो बड़ा सॉफ्ट, वो जाके एक पुस्तक का विमोचन करता है कि 26-11 आरएसएस की साजिश, ये सारा का सारा ये विदेशी महिला द्वारा ये संचालित था, तो ये भी करवा के देख लिया। तो देखिए, ये जो ताकतें जो हैं, माओवादी ताकतें, जिहादी ताकतें, ये जितने तरह के जिसको आप लेफ्ट लिबरल्स बोलते हैं, ये सब केवल एक जगह से संचालित हो रही हैं, और वो है विदेशी महिला। अब ये और इसका बेटा बीच बीच में भाग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मोदी साहब कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, कोई भी पॉलिटिशियन कहीं जाता है तो उसको पता चल जाता है, ये कौन से इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और ये कौन सी पैदाइश है कि भारत को ये हक नहीं है जानने का कि ये महिला कहां जा रही है। आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गए, वहीं उनका आखिरी इलाज हुआ और उनका स्वर्गवास हो गया, और कहते हैं ये महिला इलाज करवाने जाती है तो क्या इस देश को हक नहीं है ये जानने का। तो ये इन ताकतों को आप इसको जाने, इसको पहचाने, माओवादी जिहादी, इनके प्लेटफॉर्म और बड़े बड़े रूप में आते हैं, कोई वो जावेद अख्तर के रूप में आएगा, कोई नसरुद्दीन शाह के रूप में आएगा, कोई एक्टर के रूप में आएगा, कोई एक्ट्रेस के रूप में आएगा, कोई एक्टिविस्ट बन के आएगा, कोई सूडो इंटेलेक्चुअल के रूप में आएगा, लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है, इन सब को ठीक करने के लिए हम दो काफी हैं। तो इसलिए मैंने पुष्पेंद्र जी को कहा था, यहाँ से हमारा लंबा रास्ता है, और मैंने कहा था कि मैं 45 मिनट मैं अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा, इसके बाद जिसको आप सुनने आए हैं अब वो आपके बीच में होंगे। हाँ, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।